हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन जीडीपी ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सिविल इंजीनियरिंग जो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन आवर शेपिंग आवर वर्ल्ड। सो ये प्रेजेंटेशन में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द क्रिटिकल लिंक बिटवीन सिविल इंजीनियरिंग एंड नेशंस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, एंड एम्फेसाइजिंग मोर ऑन इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन जीडीपी एंड जॉब क्रिएशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीडीपी होता क्या है। सो बेसिकली जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, टिपिकली एनुअली और क्वार्टरली। मतलब कोई भी देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं विद इन अ टाइम फ्रेम, क्वार्टरली और एनुअली, उसे जीडीपी बोला जाता है। एंड इट इज द नेशंस इकोनॉमिक हेल्थ एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। वो एक इंडिकेटर होता है जो नेशन का इकोनॉमिक हेल्थ, अगर जीडीपी अच्छा है तो मतलब आपके गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैं और वो प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करते हैं आपके कंट्री को। तो बेसिकली वो तीन तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं या फिर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन बेस्ड, सो दिस इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद इन योर कंट्री एंड सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड विद इन योर कंट्री। सो जो भी सेक्टर्स हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो कितना वैल्यू देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो वो वैल्यू जो प्रोडक्शन के फॉर्म में होता है वो एक जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा होता है कंजम्पशन, मतलब कितना कंज्यूमर डिमांड है in particular country, so it refers to the spending power of individual household or businesses within the country on goods and services। मतलब कितने goods and services लोग use कर रहे हैं, उसकी demand कर रहे हैं। अगर services ज़्यादा डिमांड हो रही है, गुड्स का ज़्यादा डिमांड है, सो इट कंजम्पशन बेस्ड जीडीपी होता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट बेस्ड, सो इट इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टमेंट बाय द बिजनेस एंड गवर्नमेंट। तो कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऑन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इक्विपमेंट के लिए या कुछ अदर एसेट्स के लिए। सो ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो कोई भी देश की पर्टिकुलर इकोनॉमिक को अगर हमको देखना है तो उसके अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो डिसाइड करता है कि उतना उसका जीडीपी क्या है। सो जीडीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इकोनॉमिक हेल्थ एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री। तो अभी उसमें सिविल इंजीनियरिंग कैसे उसको बूस्ट कर सकता है, दैट वी विल नो। नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी। So civil engineering plays a very vital role in boosting a nation's GDP by providing essential infrastructure that supports the economic growth of any country। तो जो भी सिविल इंजीनियर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेसिकली रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन होता है, यूटिलिटीज होता है, पब्लिक सर्विसेज होता है लाइक रोड, रेलवे, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, वाटर सिस्टम। सो ये सब अगर प्रॉपर है पर्टिकुलर सिटी या टाउन में तो इट विल फैसिलिटेट द ट्रेड, वहाँ पे बहुत ही अच्छा बिजनेस होगा क्योंकि कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, एक्सेस टू रिसोर्स है। सो दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रिएट्स जॉब बढ़ेंगे, इट स्टिमुलेट द डिमांड फॉर द मटेरियल। अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ रहा है तो सभी मटेरियल्स का डिमांड एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा, इक्विपमेंट का, डिफरेंट मटेरियल्स का, एंड अल्टीमेटली इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द जीडीपी ग्रोथ क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है हर मटेरियल एंड सर्विसेज को। तो जो भी मटेरियल सप्लायर है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, उनको भी काम मिलेगा और उनका भी ग्रोथ होगा। तो इट विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ग्रोथ। देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर अच्छी कनेक्टिविटी है, रोड, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू द ऑल द रिसोर्सेज एंड ऑल द सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इट एनहांस द एफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर। जैसे कि अगर रोड, रेलवेज अच्छे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होगा एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो अल्टीमेटली इट विल इम्प्रूव योर जीडीपी level. Next is quality of life. Investing in infrastructure not only improves the GDP but it also enhances the quality of life by providing better housing, सबको अच्छा घर मिले, sanitation proper हो, health care अच्छा हो, education अच्छा मिले, so ज़्यादा prosperous life and sustainable society होगी and वो भी ज़्यादा खर्चा करेगा, consumer demand बढ़ेगा and it will also attract more consumption and their power of purchasing that will also increase and they will purchase more, so more demand will increase and that will increase your GDP. So civil engineering जो infrastructure provide करता है उसकी वजह से economic growth and quality of life बढ़ता है and इसकी वजह से GDP बढ़ता है. Next is how this employment generation that can be ensured by civil engineering. सो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है एंड उसके अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों को काम मिलता है. सो देर आर थ्री वेज इन विच द एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड. फर्स्ट इज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. कोई भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, रोड का है, रेलवे का है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम करते हैं, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्नीशियन. सो दे आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जब तक वो खत्म नहीं होता, और उसके बाद भी उसका मेंटेनेंस वगैरह में उनका काम रहता ही है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. अभी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ रहा है तो उसमें मटेरियल सप्लाई करना है, उसमें इक्विपमेंट वो सब सप्लाई करना होता है. तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरर, देन ब्रिक मैन्युफैक्चरर, देन इक्विपमेंट सप्लायर, उनका भी सपोर्ट चाहिए. तो वो भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो उससे भी जॉब क्रिएट होता है. नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट. सो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन अदर इंडस्ट्रीज ड्यू टू इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी. अभी कोई भी पर्टिकुलर सिटी या टाउन है, वहाँ पे अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी है तो वहाँ पे बहुत सारा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है. अगर टूरिज्म के लिए है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग जाएंगे, तो वहाँ पे उनके लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी. सो सच एज रिटेल, देन हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, ये सब जो दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बढ़ेंगे, और उसमें से भी इंड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली civil engineering are responsible. Civil engineering field is responsible for creating very good employment. Now these are the key civil engineering sectors and their contribution in GDP growth and job creation. तो सबसे पहला important तो transportation का ही है, जिसमें road, railway, bridges, airport, तो वो सब indirectly हमारा transportation improve करते हैं, tourism improve करते हैं, and then economic growth provide करते हैं by improving efficiency and connectivity. तो connectivity के लिए transportation sector is major one. Then water management. जितने भी water management, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर सप्लाई स्कीम है, इरिगेशन स्कीम है, डैम्स, क्लीन वाटर सप्लाई, एफिशिएंट वाटर रिसोर्स, वो क्या सपोर्ट करेंगे एग्रीकल्चर को एंड इंडस्ट्री को एंड पब्लिक हेल्थ को. तो पब्लिक हेल्थ अच्छा रहेगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अच्छी रहेगी ड्यू टू इरिगेशन, कैनाल्स एंड ऑल, डैम प्रोजेक्ट. सो उससे भी हमारा जीडीपी एंड जॉब क्रिएशन होगा. देन एनर्जी सेक्टर. एनर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता. सो पावर प्लांट, ट्रांसमिशन लाइन, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ये सब घर पे, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, हर जगह चाहिए. उसी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी. अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पे जाते हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है. देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. जितने भी घर है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, ये सब में हाउसिंग सेक्टर्स हैं, ये सब में इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी होता ही है. सो सिविल इंजीनियर्स के बगैर कोई भी पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ या जॉब क्रिएशन बहुत ही सीज हो जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सिविल इंजीनियर्स क्रिएट अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दिज आर द फैक्टर्स ड्राइविंग द सिविल इंजीनियरिंग ग्रोथ. अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग फ्यूचर है सिविल इंजीनियर्स का. क्यों? क्योंकि देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट आर ड्राइविंग द ग्रोथ इन सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर बाय क्रिएटिंग अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर इंडस्ट्री. हाउ? इट इज़ अर्बनाइजेशन. बहुत ही ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसके लिए डिमांड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है. तो जो भी हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज, सर्विसेज, जितने भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको एकोमोडेट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा. सो रैपिड अर्बनाइजेशन दैट इज रिजल्टिंग इन मोर एंड मोर डिमांड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर and that will create more demand for civil engineers. Next is infrastructure investment. Government and private sector भी बहुत सारा investment कर रहे हैं in the infrastructure project, and that will provide a significant opportunity for civil engineering firms to, and they are helping in economic growth and creating jobs. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन एंड एडवांसमेंट हो रहा है इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, सच एज 3D प्रिंटिंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ये सब जो अभी नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं. देन सस्टेनेबल होम, सस्टेनेबल सिटीज़ लाइक स्मार्ट सिटीज़ एक्सेट्रा, ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ग्रीन बिल्डिंग, उसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट कम होता है, एंड दे आर क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म्स. एंड लास्ट इज सस्टेनेबिलिटी. आज जिस प्रकार का एनवायरनमेंट का हालत है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, and climate change. So it is very essential that जो भी infrastructure या construction हो, it should focus on environmental sustainability. So it will also drive the demand for civil engineering projects जो skilled हो, जो green built environment provide कर सके, जिसमें energy efficiency हो, water efficiency हो, waste कम produced हो, then that conserve the natural resource. मतलब green building construction, smart city creation, ये सब जो है उसका demand बढ़ रहा है, just to obtain the sustainable development. So you can say that for any city or any country, there is a major role of civil engineering in promoting or in growing the GDP, because it is related to consumption, then investment, and third is related to its production. And also all these infrastructure projects, they are providing very good opportunity for all to work. So we hope that civil engineers का जो role है in next 10 to 25 years, it will be crucial in providing sustainable infrastructure for all by keeping in mind the future generation also. So अगर आपको ये lecture अच्छा लगा तो please like करें, share करें and subscribe my channel अगर आपने नहीं की है तो. Thank you.